नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus 10R 5G वर्सेस Motorola Edge 35G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 10R 5G में 6.43 इंच जबकि Edge 35G में 6.27 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 10R 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो 10R 5G में 2.97 इंच जबकि Edge 35G में 2.92 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 10R 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो 10R 5G में 0.32 इंच जबकि Edge 35G में 0.26 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 10R 5G में 186 ग्राम जबकि Edge 35G में 155 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 10R 5G में फ्लूइड AMOLED जबकि Edge 35G में OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 10R 5G में 20:1:9 जबकि Edge 35G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 10R 5G में 6.7 इंचेस जबकि Edge 35G में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 10R 5G में 1080x2412 और Edge 35G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 10R 5G में 87.9% जबकि Edge 35G में 86.3% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 10R 5G में 394 पिक्सल प्रति इंच जबकि Edge 35G में 405 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 10R 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Edge 35G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 10R 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Edge 35G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 10R 5G में माली G610MC6 जबकि Edge 35G में Adreno 642L मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 10R 5G में MediaTek Dimensity 8100 Max और Edge 35G में Qualcomm Snapdragon 778G Plus मिलता है। बात करें RAM की तो 10R 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि Edge 35G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 10R 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Edge 35G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी 10R 5G में 5000 mAh जबकि Edge 35G में 4020 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 10R 5G में 2 कलर्स जबकि Edge 35G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
XR 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 38,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 42,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें H35G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 27,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो OnePlus 10R 5G में 6 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Motorola H35G की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S21 5G है, दूसरा Xiaomi Mi 10T 5G है, तीसरा Oppo Reno 5 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 11 X Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।